सर सबसे पहली बार मूवी कैसे लगा आप लोगों को? सुपर मूवी फुल ऑन कॉमेडी विथ हॉरर. बच्चों ने भी मजे किए, हमने भी मजे किए हॉरर मूवी देख के. हाउ वाज द मूवी? सबकी एक्टिंग बहुत जोरदार थी, स्पेशली रू बाबा की. एंड मंजुलिका का जो फेस ऑफ था माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का, वो कैसा लगा? कितना लोगे आप? ओके ओके, थैंक यू सो मच. सर भूलभुलैया देख के आ रहे हो, आपको मूवी कैसी लगी ओवरऑल? ओवरऑल अच्छी है मूवी, सुपर है, बहुत ट्विस्टिंग है. एंड कार्तिक आर्यन का एक्टिंग कैसा लगा? सुपर वेरी नाइस. जो मच अवेटेड फेस ऑफ था माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का, वो कैसा लगा? एक्टिंग भी बहुत मस्त थी, बहुत विद्या बालन एक्सीलेंट. मतलब ओवरऑल एक्सपेक्टेशन को मैच कर दिया मूवी? मैच 100%. उसका ट्विस्ट अच्छा था. ओके, एंड 5 में से कितना स्टार दोगे सर? 3.5. ओके सर, थैंक यू सो मच. आप दोनों, आपको कैसा लगा मूवी? या मूवी एक्चुअली जो सोच के आए थे ना, उतना मजा नहीं आया एक्चुअली. ओके, यस. नहीं, जरा भी नहीं, इतना नहीं है. एक्सपेक्टेशन था थोड़ा, पर उतना नहीं है कुछ. हॉरर कॉमेडी ठीक है, चल जाता है, बट स्टोरी लाइन जो बिल्ड किया है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तक लेके गए थे, पार्ट 3 का कुछ मजा नहीं आया. जो फर्स्ट था वो इधर था, सेकंड इधर, थर्ड तो. ओके, एंड एक्टिंग वाइज कार्तिक आर्यन कैसा है? नहीं, डांस उसका बहुत अच्छा है, बाकी ठीक है. स्टोरी लाइन इतना नहीं है, एक्टर्स काफी सही है, बट कहां ना कहां वो अक्षय कुमार को कॉपी करते हुए दिख रहा है. एंड जो मच अवेटेड फेस ऑफ था विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का, वो कैसा लगा? एक्चुअली ओकेश था, यस, बट अगर वो रिवील नहीं करते माधुरी दीक्षित को तो सही लगता था. अच्छा, ट्रेलर में रिवील नहीं करते, रिवील कर दिया और फिर ये ठीक है. ओके ओके, एंड 5 में से कितना स्टार्स दोगे आप? 5 में से 1.5 to 2. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. कैसा लगा आपको मूवी? ओकेश मूवी है, एंडिंग ठीक है, बाकी ना कुछ खास नहीं, लेकिन ठीक है, टाइम निकल जाएगा. एंड कार्तिक, वन टाइम वॉच है. एंड एक्टिंग वाइज कार्तिक आर्यन? एंडिंग बेस्ट है. एंडिंग बेस्ट. और एक्टिंग वाइज कार्तिक आर्यन का कैसा है? सब बेटर है, तृप्ति बेटर है. और जो मच अवेटेड माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का फेस ऑफ है, वो कैसा लग रहा है? उनका अच्छा है. एंड 5 में से कितना लोगे सर? एवरेज है, 3.5. ओके सर, थैंक यू. बहुत अच्छी, बहुत अच्छी. फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ कौन सी ज्यादा एंगेजिंग रही अकॉर्डिंग टू यू? सेकंड हाफ. थर्ड मूवी फर्स्ट सेकंड के कंपेयर में करें तो ये कितना आपके लिए अलग था? ये बेस्ट था. माधुरी और विद्या बालन का परफॉर्मेंस कैसा लगा? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. सॉन्ग की बात करें तो वो कैसे लगे आपको? अच्छे थे. और कार्तिक आर्यन की एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने इस बार कुछ ज्यादा अलग अंदाज में परफॉर्म किया है, तो उनकी एक्टिंग कैसी लगी आपको? और टिप्पणी डिमरी की? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी. और सर कितना स्टार देना चाहेंगे इस फिल्म को? 4 out of 5. थैंक यू सर. थैंक यू. अच्छी मूवी है. सर फिल्म की बात करें तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज्यादा एंगेजिंग रही? दोनों सेम है, मतलब दोनों सेम है, कॉमेडी है, हॉरर भी है, और एक्टिंग परफॉर्मेंस सब अच्छे हैं. माधुरी दीक्षित की केमिस्ट्री कैसी लगी? दोनों अच्छी अच्छे लगे, दोनों लोग को आज बहुत अच्छे दिखे हैं, और कार्तिक भी बहुत स्मार्ट है, अच्छा दिखा वो भी. सॉन्ग अच्छे लगे. जो मंजुलिका अमी जो तुम्हारा सॉन्ग है वो बहुत अच्छा है, सुनने में मजा आता है. 3.5. अच्छी मूवी है, ट्विस्ट एंड टर्न है थोड़े, अच्छा मजा आएगा देखने में. हाँ, अच्छी है, सब सब गाने वाने सब अच्छे हैं. बहुत अच्छी लगी उनकी भी. हाँ, वो तो सुपर्ब है. सबसे बेस्ट इस पिक्चर में क्लाइमैक्स है, सुपर्ब. हाँ, अभी एवरग्रीन है तृप्ति डिमरी, तो वो तो सुपर, वो तो है आने वाली कल की स्टार ही है. सॉन्ग्स भी सब अच्छे हैं, सब सब कोई ऐसा नहीं लग रहा कि बोर हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा. अच्छी पिक्चर, अच्छी, सबको देखना चाहिए. अच्छी, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. स्टोरी एंगल भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है.
जो जो स्टार है, फाइव स्टार जो भी है, टेन स्टार है, अच्छा है, मतलब इंटरटेन में है, इमोशन है लास्ट में बहुत, वो बहुत अच्छा एंगल दिया है डायरेक्टर ने। सुपर, एकदम सुपर, एकदम ट्विस्ट है मूवीज में, एकदम ट्विस्ट है, एकदम बोलते ना एकदम हट के बनाया हुआ है, काफी अच्छी लगी है। अरे यार कई सालों के बाद देखे हैं इन लोगों को तो, और एकदम मस्त लगी है मुझे। दिवाली पे हर बार भाईजान फिल्म आते थे, इस बार लोग अलग, कार्तिक आर्यन और सिंगम भी आ रही है, आपको क्या लगता है इस बार दिवाली पे अच्छा कमाई कर पाएगी? दोनों करेगी, ऐसा नहीं क्योंकि एक को बोलना ये गलत बात है, दोनों सुपर निकलेंगे, सुपर ब्लॉकबस्टर। कितना स्टार देना पसंद करेंगे? मैं तो फाइव स्टार देना पसंद करूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू।